हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रंग बिरंगी पत्तियों वाले कुछ ऐसे कलरफुल इंडोर प्लांट्स जिनकी कटिंग को आप लोग अगस्त के महीने में ग्रो कर लीजिए। इस टाइम पर यानी कि बरसात के मौसम में आप लोग इनकी कटिंग को ग्रो करोगे तो जैसे ही सितंबर आएगा, सितंबर तक आपकी ये जो कटिंगे हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी, यानी कि ये पूरे प्लांट ही बन करके तैयार हो जाएंगे। बारिश का पानी अगर इन कटिंग को मिल जाता है तो इन पौधों की जो ग्रोथ है दोगुनी हो जाती है। कटिंग को किस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, किस तरीके की मिट्टी में लगाना है, पूरी डिटेल में आज की ये वीडियो होने वाली है। और देखिए, ये स्टार्टिंग में आप लोग जो रिजल्ट देख रहे हैं, इन कटिंग की जो जड़ें हैं वो भी आप लोगों को खोल खोल कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इनकी जो कटिंग है ग्रो हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो देखिए मैं पूरी रिजल्ट और अपडेट भी इसीलिए आप लोगों को साथ के साथ दिखाती चलती हूँ कि कटिंग भी ये ग्रो हो जाती है। लेकिन मेन जो बात आती है वो यही है कि कटिंग को आपने किस तरीके से लगाया है, किस तरीके की मिट्टी में लगाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी इस टाइम पर आपको किस तरीके की तैयार करनी है। ये जो पौधे आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। मेरे पास भी कुछ पौधे इनमें से हैं, कुछ नहीं है, कुछ की कटिंग मुझे कहीं से मिली है। तो देखिए, इनके लिए जो मिट्टी आप लोगों को इस टाइम पर तैयार करनी है ये है 80% रिवर सैंड और 20% नॉर्मल गार्डन सोयल। कोई भी कंपोस्ट वगैरह कटिंग को लगाते हुए आपको नहीं मिलानी है। 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी जरूर मिला लेना है ताकि हमारी मिट्टी में या इस रेत में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह ना हो। इस तरीके से अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लेना है। कुछ लोग कोकोपीट का भी यूज करते हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भूल कर भी गलती से भी कोकोपीट को कटिंग लगाने में नहीं यूज करना है। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, कटिंग को ज़्यादातर गला देती है, वो नहीं ग्रो होने देती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इनमें मिट्टी को भर के रख लिया है। कुछ पॉट है, कुछ डिस्पोजल है, कुछ प्लास्टिक के पॉट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। कभी एक छोटा सा बेबी प्लांट मैं लेकर के आई थी नर्सरी से और इस टाइम पर इसके मेरे पास ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। इसकी कटिंग आपको देखिए किस तरीके से लेनी है। कटिंग को लगाने से पहले एक काम आपको जरूर करना है, ये जो जेल हम लोग लेंगे इस जेल को देखिए पहले इस तरीके से रब कर लेना है। यानी कि डायरेक्ट कटिंग को जेल के अंदर नहीं घुसना है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इन पौधों की कटिंग थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए पहले इसको हल्का सा लूज कीजिए जेल को, तब कटिंग को जेल के अंदर डिप कीजिए। एक काम आपको और करना है, देखिए कटिंग को डायरेक्ट मिट्टी में इस तरीके से नहीं घुसना है। पहले इस तरीके से मिट्टी में होल बना लेना है और कटिंग को इस तरीके से लगाना है। तो देखिए, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, इनके ऊपर आप लोग काम कीजिए तो आपकी कटिंग भी जरूर ग्रो होगी। क्योंकि ज़्यादातर सभी लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है, इसीलिए मैं आप लोगों को इनकी अपडेट यानी कि इनकी जड़ों को निकाल करके खोल खोल करके दिखाती हूँ कि इनकी कटिंग देखिए ग्रो हो जाती है। आप लोग देख लीजिए, 15 दिन का ये रिजल्ट है, कितने अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट आप लोग सामने देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी है। फिलोडेंड्रोन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन इस वैरायटी की खूबसूरती आप लोग देखिए, इस एक ही प्लांट में 4-5 कलर आए हुए हैं, यानी कि डार्क ग्रीन, पैरट ग्रीन और पीच कलर, और जो बिल्कुल न्यू लीफ नीचे से ब्रांच निकल रही हैं उनका डार्क मेहरून कलर आप लोग देख लीजिए, कहीं से ऑरेंज शेड भी है। तो कितना सुंदर ये प्लांट दिखने में लग रहा है और हार्ड ही इतना होता है। देखिए इसकी जो जड़ें हैं आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी सी बाहर आ गई हैं, तो इनकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग के सामने देख रहे हैं ये एल्युमिनियम प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। इसकी भी एक कटिंग मुझे कहीं से मिली थी, तो वो कटिंग ही स्पॉट में मैंने लगाई थी, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। अब इसकी और कटिंग भी मैं लगा करके अपने और पौधे बना लूँगी। इसके टिप वाले हिस्से की 2-3 इंच की कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाती है, तो इसकी कटिंग में 7 से 8 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख लीजिए कितना हेल्दी ये प्लांट बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है, यानी कि एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी के अंदर चला गया तो इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मेरी जो आवाज़ है इसको आज आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हो रखा था, इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ा बैठी हुई है, तेज़ नहीं बोला जा रहा है।
अगला जो प्लांट आप लोग ये देख रहे हैं ये है रेड बिगोनिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। इसकी एक कटिंग मैंने लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है इस बोटर में लगाई थी, लेकिन इसको अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ, इसको थोड़ा बड़ा होने दूंगी। तो देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की या साइड ब्रांच आपको मिल जाती है 3 से 4 इंच की, तो इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये डेफनवेकिया की ही वैरायटी है। डेफनवेकिया में भी बहुत सारी वैरायटी अब आने लगी हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है बहुत ही कम केयर में यानी कि लो मेंटेनेंस से प्लांट होते हैं। तो देखिए इसकी जो कटिंग है जब मैंने लगाई थी आप लोगों के साथ शेयर भी की है, लगभग 20 से 25 दिन ही हुए हैं इसकी कटिंग को लगाए हुए। आप लोग मेरी पहली वीडियो जाकर के देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। और इनकी जो मिट्टी है आप लोग देख रहे हैं कितनी वेल ड्रेन है, यानी कि रिवर सैंड में ही ज़्यादातर मैं इनकी कटिंगों को लगाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं इसकी भी एक कटिंग ही मैंने लगाई थी, ये कटिंग ही है, इसको लगाए हुए कम से कम 2 से 3 महीने हो गए हैं। हालांकि इस टाइम पर ये पूरा प्लांट ही बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसी की अब टिप वाले हिस्से की देखिए इतनी बड़ी कटिंग मैंने कट की है। इतनी बड़ी कटिंग इसकी लेनी है और ऊपर की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है। 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है यानी कि 1 या 2 नोड एरिया भी इसका मिट्टी के अंदर चला गया तो इसकी कटिंग में 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखने में कितना सुंदर ये प्लांट लगता है आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग ही सामने देख रहे हैं ये वेरिएटेड पिपरोमिया है। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ही सुंदर सुंदर सी वैरायटी इसमें आती हैं, लेकिन ये वेरिएटेड और इसमें ग्रीन ये कॉमन सी वैरायटियाँ होती हैं, ये आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएंगी। तो देखिए इसकी भी जिस तरीके से हम लोग कलंचो की कटिंग को लगाते हैं इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है, लगा दीजिए। अगला जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये अरेलिया की एक वैरायटी है। इसकी कटिंग को पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लगा करके दिखाया है कि किस तरीके से लगानी है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी तो इसकी कटिंग मुझे कहीं से मिली थी। हालांकि इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ये ग्रो तो हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ। देखिए छोटी छोटी सी इनकी पत्तियाँ होती हैं, इनकी भी टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है तो लगा दीजिए। ये जो प्लांट आप लोग सामने देख रहे हैं ये है पेंसिल कैक्टस। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी कैक्टस की 5 से 6 वैरायटी हैं। तो देखिए इसकी कटिंग आपको कैसी लेनी है, इस तरीके से 2 कटिंग मैं लेकर के आई हूँ। और इनकी ये जो साइडों की पतली पतली सी ब्रांचें आप लोग देख रहे हैं इनको भी तोड़ करके इस तरीके से लगा देना है। बस आपको ध्यान रखना है इनकी कटिंग में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कटिंग में पानी अगर कम रह गया तो इनकी कटिंग सूखती नहीं है, क्योंकि इनकी कटिंग में पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है तो कटिंग इनकी बहुत जल्दी गल जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 2-2, 3-3 इंच की कटिंग भी करके आप लोग लगा दोगे तो 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फाइकस की एक वैरायटी है, ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी, हालांकि कुछ और वैरायटियां मेरे पास है फाइकस की। तो देखिए इसकी कटिंग मुझे कहीं से मिली है टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की ये कटिंग है। ऊपर की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है। एक्स्ट्रा पत्तियों को इसलिए नहीं रखना होता कि ये कटिंग की एनर्जी को लेती रहती है, 2-4 पत्तियों को ही छोड़िए। देखिए इस तरीके से जेल को कटिंग के ऊपर जरूर लगा लेना है, जेल कटिंग को ख़राब नहीं होने देता और रूटिंग भी जल्दी कराता है। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग के सामने देख रहे हैं ये क्रोटोन की एक वैरायटी है। इसकी कटिंग को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लगा करके दिखाया है, लेकिन इसी की एक वैरायटी और है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी यानी कि बड़ी रहती हैं, लेकिन जो वैरायटी की कटिंग मुझे मिली है इसकी जो पत्तियां हैं पतली रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास ये सभी पौधे नहीं है कहीं से मांग करके इनकी कटिंग को आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग किसी से 2 कटिंगें मांगोगे तो 1 कटिंग तो जरूर दे ही देता है। जैसे कि ये क्रोटोन की कटिंग मुझे एक मिली है तो इसकी एक ही कटिंग में से मैं 2 कटिंग बना लूंगी, यानी कि नीचे के हिस्से की अलग से कटिंग लगाऊंगी और ये ऊपर वाले टिप वाले हिस्से की अलग से कटिंग लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स फ्री के पौधे अगर अपने गार्डन में हमें ऐड करने होते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, चोरी करने से अच्छा किसी से मांग लो, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मांगने से दे दी तब भी ठीक है, नहीं दी तब भी ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करके देख सकते हैं। सभी पौधे सभी के घर नहीं रहते हैं, मैं तो ज़्यादातर
जहाँ से मुझे पौधे दिखते रहते हैं वहाँ से कटिंगे मांगती रहती हूँ। ये जो क्लिप आप लोग सामने देख रहे हैं ये सफलेरा की एक वैरायटी है, ये नर्सरी से ही मैं क्लिप बना रही हूँ और यहीं से मैं दो कटिंगे मांग करके लाई हूँ। आप लोग देख लीजिए, मेरे गार्डन में आपने ये वैरायटी नहीं देखी होगी पहले। इसकी एक और जो वैरायटी है वो मेरे पास है, आप लोग मेरी वीडियो में देखते हैं। तो इसकी जो कटिंगें मुझे मिली है, देखिए इनकी पत्तियों को इस तरीके से हटा लेना है, यानी कि नोड एरिया इनके ख़राब नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी चाहिए, 5 से 6 इंच की कटिंग इनके लिए इनफ रहती है। 5 से 6 इंच की जो कटिंग होगी वो अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी कटिंग को कभी भी नहीं लेना है। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये है लकी बैम्बो। देखिए इसकी भी कटिंग आपको लेना इसलिए ज़रूरी होता है, यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो साइड से देखिए एक स्प्राउटिंग हो रही है और नीचे से भी इसमें बेबी प्लांट निकलना शुरू हो गए हैं। अगर इसको यहाँ से कट नहीं करोगे तो नीचे से बेबी प्लांट भी नहीं निकलेंगे, ये ऊपर को लंबा लंबा सा चलता रहेगा, इसीलिए इसको कट करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए नीचे से ये वाली ब्रांच मैंने कट की थी ऊपर से, तो नीचे से बेबी प्लांट निकलने लगे, लेकिन ये वाली कटिंग नहीं कट की, अब कट कर रही हूँ। जहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ से इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी तो पौधा चारों तरफ को फैलेगा, घना बनेगा तो दिखने में सुंदर भी लगेगा और हमारे पास इसके नए नए पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। इसकी जो कटिंग मैंने लगाई थी आप लोग देख लीजिए, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कितने अच्छे से इसकी जो कटिंग है ग्रो हो गई है। इसकी कटिंग थोड़ा सा देरी से ग्रो होती है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये है देखिए सोमो फिंगा का प्लांट, तो इसकी कटिंग को कट करते रहना इसलिए ज़रूरी है, ये भी ऊपर को लंबा लंबा सा चलता रहता है अगर आप लोग इसको कट नहीं करोगे। मेरा पौधा आप लोग ये देख रहे हैं कितनी जगह से मैंने इसमें कट लगा रखे हैं, यानी कि इनकी कटिंग बना बना के मैं लगाती रहती हूँ, कई सारे पौधे मैंने बना लिए हैं। ये टिप वाला जो हिस्सा होता है इसको आप लोग कट कर लीजिए, यानी कि 4 से 5 इंच की कटिंग को लगा दीजिए। इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं, तो जिस वैरायटी की भी कटिंग आपको मिलती है उसको इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। किसी अदर सीजन में आप लोग इनकी कटिंग को ग्रो करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने इनकी कटिंग ग्रो होने में ले लेती है, लेकिन इस टाइम पर बरसात के मौसम में आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो 1 से 1.5 महीने में पूरे अच्छे तरीके से ये जो प्लांट है बन करके तैयार हो जाएंगे। लकी बैम्बो और सोंग ऑफ इंडिया, इन दोनों की जो कटिंगे हैं जड़ें आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सेम सी रहती हैं, लेकिन पौधे दोनों अलग हैं। ये जो प्लांट आप लोग सामने देख रहे हैं ये भी फाइकस की एक वैरायटी है, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, इसी में से मैंने 6-7 कटिंगें कट की हैं टिप वाले हिस्से की, आप लोग देख लीजिए। यानी कि मैं एक कटिंग मेरी जब ग्रो हो जाती है तो उसको ऊपर से कट करके कटिंगें बनाती रहती हूँ, अपने नए नए पौधे बनाती रहती हूँ। टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की भी कटिंग आपको देखिए इस तरीके से मिल जाती है, तो लगा दीजिए। ये बोनजाई इनके बहुत अच्छे बनते हैं, तो जो लोग बोनजाई के शौकीन हैं इस तरीके के पौधे जो होते हैं उनको आप लोग अपने गार्डन में कटिंग से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बोनजाई होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं और पौधे भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। ये इसकी दूसरी वैरायटी है, इसको वेरीगेटेड फाइकस के नाम से जाना जाता है। इसकी भी जो कटिंग होती है देखिए टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की आपको लेनी है। इसकी कटिंग की अपडेट भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, यानी कि इसकी भी जो कटिंग है इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 15 से 20 दिन में पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी, यानी कि रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कटिंग इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और देखिए इस तरीके की ये जो कटिंग है इन पत्तियों को नीचे से हटा देना है, ज़्यादा कटिंग के ऊपर पत्तियाँ नहीं छोड़नी है, 2 से 3 पत्तियों को ही छोड़ना है। और एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर जरूर लगा लेना है, क्योंकि इनकी भी जो कटिंगें हैं बहुत ही सॉफ्ट रूट रहती हैं, पतली सी रहती हैं, तो इनके गलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक तो मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन तैयार करें और दूसरा जेल को कटिंग के ऊपर जरूर लगा लें। अगला जो प्लांट आप लोग इस सामने देख रहे हैं ये प्लांट मेरा देखिए कितना हेल्दी और कितना घना बना हुआ है, एक 12 इंच के ही पॉट में लगा हुआ है, लगभग 2 से 3 साल का ये प्लांट हो गया है। तो देखिए ये जो सामने आप लोग प्लांट देख रहे हैं ये कटिंग ही थी, इसमें मैंने रिपोर्ट कर दिया था इसको, तो देखिए ऊपर को इसकी यहाँ से कटिंग को कट करना इसलिए ज़रूरी है, अगर इसको यहाँ से कट नहीं करोगे तो ये भी ऊपर को लंबा लंबा सा चलता रहेगा, साइड से ब्रांचें नहीं निकलेंगी। जहाँ से हमने इसको कट किया है अब यहाँ से इसकी साइड ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि अगर आप लोग टिप वाला हिस्सा कट नहीं करते हैं तो साइड से ब्रांचें नहीं निकलती हैं, प्लांट की पूरी एनर्जी एक ही स्टेम लेती रहती है, ऊपर को सीधा सीधा चलती रहती है। तो देखिए इस तरीके से इसकी ये जो कटिंग हमने ली है 5 से 6 इंच के टिप वाले हिस्से की, एक्स्ट्रा पत्तियाँ सब हटा दी हैं
5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है। और नीचे का जो कट होता है बिल्कुल शार्प आपको लगाना है। इसकी भी जो कटिंग है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 2.5 से 3 महीने ले लेती है, लेकिन इस टाइम पर आप लोग इसकी कटिंग को ग्रो करोगे तो 1 से 1.5 महीने में इसकी जो कटिंग है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। एक्स प्लांट आप लोग के सामने देख रहे हैं, ये है ड्रेसिना मजेंटा के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए यहाँ से मैंने इसको ऊपर से कट किया था। कट करने के बाद साइडों से आप लोग देख लीजिए इसकी कितनी सारी ब्रांचें निकली हैं। तो इसलिए पौधों को जितना आप लोग काट छाट करते रहोगे उतने ही वो ग्रोथ करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और आपके पास के इनके नए नए पौधे बन करके तैयार होते रहेंगे। और फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पौधा यानी कि इनका जो मदर प्लांट है हमेशा आपके गार्डन में बना रहे। किसी कारणवश कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो मदर प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इनकी कटिंगों को आप लोग लगाते रहोगे तो आपके पास इनके पौधे शेप रहेंगे। तो देखिए इनकी पत्तियों को इस तरीके से हटाना है और ये जो नीचे वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हो इसको मैंने ब्रांच को ऐसे ही तोड़ा है यानी कट भी नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं किसी प्रूनर से कट नहीं करूँगी। इस तरीके की कटिंग आप लोग अगर तोड़ करके लगाते हैं तो इनमें रूटिंग जल्दी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोग नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो आपकी कटिंग भी 100% ग्रो होगी। कटिंग को सही तरीके से अगर लगा दिया है, अब बारी आती है कि कटिंग को हमें रखना कहाँ पर है। तो देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो पॉट मेरा आप लोग देख रहे हैं इस पॉट की मिट्टी को इस तरीके से लूज कीजिए यानी किसी भी टूल्स वगैरह से इसको ढीला कर लीजिए। इन पॉट को जिसमें भी आपने कटिंग को लगाया है इस तरीके से इस पॉट में रख दीजिए। इस तरीके से रखने से आपको 2 फायदे होंगे, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। या तो आप लोग ऐसा कर लीजिए या फिर देखिए इस तरीके से जो आपके बेस बेकार पड़े हुए छोटे मोटे टूटे फूटे ये टब रहते हैं इस तरीके के, इनमें इस तरीके से मिट्टी को भरिए। मिट्टी को भरने के बाद जिन डिस्पोजल में जिस भी पॉट में आपने कटिंग को लगाया है उनको देखिए इस तरीके से रख दीजिए और नीचे वाले पॉट की जो मिट्टी है उसको पहले गीला कर लीजिए। यानी कि कटिंग जो हमने लगाई है वो मिट्टी तो हमारी गीली है लेकिन नीचे वाली जो मिट्टी है वो भी गीली होनी चाहिए। तो इनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि कटिंग में कभी अंडर वाटरिंग रह गई तो नीचे का जो पॉट की मिट्टी है वहाँ से इन कटिंग को ह्यूमिडिटी यानी कि नमी इनको मिलती रहेगी। कभी अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो कटिंग का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा नीचे वाली जो मिट्टी होगी वो सोख लेगी। और कटिंगों को इनको उठा करके ऐसी जगह रखना है जहाँ आपके परमानेंट बड़े बड़े से पौधे हैं, यानी कि इकट्ठा करके झुंड में एक साथ कटिंगों को रख देना है। इससे कटिंगों को उन पौधों की ह्यूमिडिटी मिलती है तो कटिंगें जो है जल्दी ग्रो होती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको लगाने के बाद कटिंगों को रखना है। मेरे गार्डन में मेरे पास अभी कुछ और भी परमानेंट कलरफुल इंडोर प्लांट्स हैं जिनको मैं अलग से किसी नेक्स्ट वीडियो में कटिंग लगा करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यानी कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर से अभी और भी प्लांट्स हैं जिनकी अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।